हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। पामिस्ट्री फॉर यू में मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ दोमुखी जीवन रेखा के सारे पहलू को उजागर करेंगे। दोस्तों, जीवन रेखा हमारी हथेलियों का एक प्रमुख रेखा होता है जो कि शुक्र पर्वत का घेरा लगाए रखता है। अगर जीवन रेखा के अंतिम छोर दो भाग में बांट जाता है तो उसे द्विमुखी जीवन रेखा कहते हैं। दोस्तों, अगर जीवन रेखा की अंतिम छोर पर एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो ये विदेश यात्रा को इशारा करता है, यानी कि आदमी के गुजर बसर और कर्म संस्थान अपनी जन्म भूमि से दूर विदेश में होगा। उनका एक अलग पहचान वो विदेश में ही बना पाएंगे और उनका जीवन का अंतिम पड़ाव भी विदेश में होगा। हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों के आमतौर पर लाभ मैरिज ही होता है और ये दूर के कास्ट यानी कि इंटर कास्ट मैरिज के ओर भी इशारा करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में थोड़ा गैप हो, यानी कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा उनकी शुरुआती तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल सटकर ना हो, तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा निशानी है और ये लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट मैरिज को बल देता है। साथ ही अगर शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो यानी कि विकसित हो तो ये लव मैरिज को ही पुष्टि करता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका विपरीत जीवन रेखा से अगर कोई ब्रांच निकलकर भीतर की ओर आता है, यानी कि जीवन रेखा की अंतिम छोर पर कोई एक ब्रांच निकलकर शुक्र पर्वत की ओर आती हुई दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि आदमी विदेश तो जाएगा लेकिन विदेश में वो पढ़ लिख कर फिर से अपनी मातृभूमि वो अपनी मातृभूमि या फिर जन्मभूमि को लौट आएगा और अपने ही इलाके में जस ख्याति और सम्मान पाएगा। ऐसे लोगों के मैरिज बहुत ही संपन्न परिवार में होता है और ऐसे लोग अपनी शादी को लेकर ज़्यादा खिंचातानी ना करके थोड़ा धैर्य के साथ वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वेट एंड वॉच प्रिंसिपल ही शादी के लिए सही रहेगा। क्योंकि ऐसे लोग अगर अपनी शादी को लेकर ज़्यादा छेड़खानी करने से बात बिगड़ सकता है। ऐसे लोगों के इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उनकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा समांतरल हो यानी कि पैरेलल हो। हाँ तो दोस्तों, अगर द्विमुखी जीवन रेखा
बहिर्मुखी हो यानी कि आउटवर्ड हो तो जीवन साथी की रुचि आपसे बहुत अलग होगी और वो समझदार और आपकी मूड स्विंग करने में पारंगम होगी। दोस्तों ऐसे हमारे जीवन अप्स एंड डाउन है। दोस्तों कुछ रेखाएं माउंट ऑफ वेनस यानी कि शुक्र पर्वत से निकलकर हमारे जीवन रेखा को एक पैरेलल लाइन में काटते हैं। दोस्तों उनका भी एक बहुत ही गहरा मतलब होता है। दोस्तों वो प्यार में धोखा सेपरेशन और हमारी स्वास्थ्य अवस्था में गिरावट को दर्शाता है। ये हमारी जीवन की सामयिक यानी कि टेम्पोररी रुकावट होते हैं जिसको कि हम संभालकर जिंदगी की राहों में आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज के बहुत सारे पहलू और बहुत ही खास खास बात डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और अपनी मन की बातों को अपनी मन में ही रखिए और एक हसीन सपनों में खो जाइए। तो तब तक के लिए अलविदा और शुभ रात्रि।